यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसांतकम्। शास्त्रों के अनुसार रामदूत आंजनेय केसरी नंदन पवित्र पवन पुत्र मारुति नंदन श्री हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में प्रातःकाल हुआ था। श्री हनुमान जी जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो सभी संकटों का नाश करने वाले हैं, श्री हनुमान जी की उपासना करने पर जीवन में सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। चारों युगों में हनुमान जी प्रत्यक्ष विराजमान है। प्रभु श्री राम जब अपने धाम साकेत लोक को जा रहे थे तो हनुमान जी यहीं रह गए थे, बाकी सभी भगवान के साथ चले गए थे। हनुमान जी को बजरंग बली, जिनका शरीर वज्र के समान है, मारुति जो हवा के समान चलने वाले हैं, अंजनी पुत्र जो कि अंजनी माता के पुत्र हैं, पवन पुत्र भी कहलाते हैं, संकट मोचन जिन्होंने सभी के संकटों का नाश किया उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। केसरी के पुत्र इसलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। महावीर जिन्होंने बड़े बड़े वीरता के कार्य किए, ऐसा किसी ने नहीं किया, इन्हें महावीर कहा जाता है। भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार हैं, इसलिए इन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है। हिंदू सनातन संस्कृति रामायण महाकाव्य के अनुसार हनुमान जी केसरी वानराज और अंजना के पुत्र हैं। हनुमान जी अति बलशाली हैं, जो भी इनकी आराधना उपासना करता है उसे हनुमान जी अपनी कृपा से भर देते हैं। श्री हनुमान जी की उपासना करने से जीवन में सभी संकटों का नाश होता है। इनके जन्म के दिन यानी कि चैत्र मास की पूर्णिमा के या किसी भी मंगलवार को आप लड्डू या चना का भोग लगाएं, ऋतु फल, ऋतु पुष्प, मेवा, मिष्ठान इत्यादि चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, लाल चोड़ा या लंगोटा चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दीन दुखियों को दान करें, वानर पशु पक्षियों को चारा इत्यादि खिलाएं, इस दिन गौ माता को भी रोटी गुड़ अवश्य खिलाएं, हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं। संयम नियम का इस दिन पालन करें और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण, सुंदर कांड इत्यादि का पाठ करें और हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, आरती करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, अगर संभव हो तो व्रत भी करें, नहीं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो सदैव इस दिन विशेष ख्याल रखना चाहिए, नियम इत्यादि का भी पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचारी के स्वरूप में हर व्यक्ति नर नारी को रहना चाहिए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो छोटे से उपाय से आप भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी पर श्री हनुमान जी बजरंग बली केसरी नंदन पवन पुत्र की कृपा बनी रहे। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है आप सभी पर, आपके परिवार पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।
संकट मोचन कृपा निधान। जय सियाराम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सियाराम जय जय हनुमान, संकट